अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हानिया लोधी किचन। व्यूवर्स, आज हम लोग हानिया लोधी किचन में बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी केक। तो इसको जो है वो आप लोग बनाकर और इफ्तार में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए हमें यहाँ जो चीज़ें चाहिए होंगी, मैदा लेंगे यहाँ हम 1 कप भरकर। 1 कप ही भरकर हमने यहाँ पर ली है पिसी हुई चीनी। 1/3 कप मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल। यहाँ जो है वो मैंने लिया है मिल्क। मिल्क हम हसबे ज़रूरत यूज़ करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए होगा स्ट्रॉबेरी एसेंस। मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी एसेंस लिया है। 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा। 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने यहाँ पर। तो चलिए हमारा जो स्ट्रॉबेरी केक के लिए जो हमारा स्पॉन्ज है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हमने 2 अंडों की सफ़ेदी अलग करके रख दी है, एग वाइट वो हम इस पर डाल लेंगे। इसी के साथ हमने जो चीनी पीस कर रखी हुई थी, पिसी हुई चीनी, वो भी हम इसमें डाल देंगे 1 कप भरकर। और दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, फ्लफी सा। तो व्यूवर्स ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जो है वो हमने इसको जो है वो फ्लफी सा जो है वो मिक्स कर लिया है। अब हमारे पास जो अंडों की 2 जर्दी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स यहाँ जो है वो हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो है वो 1/3 कप जो हमने ऑयल लिया हुआ था वो भी ऐड कर देंगे। इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून जितना जो है वो स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड कर दूंगी। इसी के साथ चंद कतरे में इसमें लिक्विड फूड कलर के ऐड करूंगी और इन तमाम चीज़ों को मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो व्यूवर्स तमाम चीज़ों को मैंने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब जो मैंने मैदा लिया हुआ था 1 कप जितना भरकर, ये मैं इसमें डाल दूंगी छान कर। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया था, ये भी मैं इसमें भरकर डाल दूंगी और छान लूंगी इसको इसमें अच्छी तरीके से। अब मैं इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से अपने तमाम बैटर को जो है वो मिक्स कर लूंगी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इस तरह से घुमाकर मिक्स कर लूंगी। तो ये देख सकते हैं व्यूवर्स आप लोग, यहाँ हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, लेकिन बैटर यहाँ थोड़ा थिक है तो मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे, अगर ये ठीक लगेगा तो रोक देंगे वरना इसमें और ऐड करेंगे। तो कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप लोग, बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग के कितना मिल्क हमने इसमें डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क यहाँ पर गया है, तकरीबन 6 टीस्पून जितना मिल्क यहाँ पर गया है। तो अगर आप लोगों की भी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाती है तो बस आप लोग भी मिल्क को यहीं रोक दें। अब जो है वो मैं केक मोल्ड को ग्रीस कर लूँगी और बैटर को उसमें डालूंगी। तो व्यूवर्स ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जो है वो हमने हमारे केक मोल्ड को अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसी के साइज का हमने एक बटर पेपर इसमें कट करके लगा दिया है और उसको भी हमने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। तो अगर आप लोगों के पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग कोई भी प्लास्टिक का शॉपर लें और उसको आप लोग इसी के साइज में कट करके वो लगा दें, या फिर थोड़ा से ऑयल से इसको ग्रीस करके और ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें। तो अब जो है वो मैं अपने केक का जो बैटर है वो इसमें डालूंगी। देखें किस तरीके से, इसी तरीके का बैटर हमें चाहिए होगा केक को बनाने के लिए। सारा इसमें डालेंगे, अच्छी तरह से साफ करके सारा हमारा जो बैटर है वो हम इसमें डाल देंगे। तो व्यूवर्स हमारा जो केक का बैटर था सारा हमने जो है वो हमारे केक मोल्ड में डाल दिया है। अब हम इसको इस तरीके से टैप करेंगे कि ये लेवल हो जाए, बिल्कुल लेवल में सेट कर लेंगे इसको। तो दूसरी तरफ जो है वो हमने इसको, हमारा जो बर्तन है उसको हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए,
इसको हम पतीले में बेक करेंगे। तो पतीला जो है वो हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम हमारे केक मोल्ड को जो है वो पतीले में रखेंगे। तो यहाँ जो है वो हमने हमारे केक मोल्ड को पतीले में रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब इसको कवर करने के बाद हम तकरीबन 35 मिनट के लिए जो है वो इसको बेक होने देंगे। 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक होगा, उसके बाद आपको चेक करवाते हैं। तो व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जो है वो हमारे केक को बेक होते हुए तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी तरीके से केक जो है वो हमारा राइज हुआ है। तो एक स्कीवर इंसर्ट करके हम इसमें चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल क्लीन ये बाहर आया है। तो केक हमारा बेक हो चुका है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। तो व्यूवर्स हमारा जो केक मोल्ड था वो हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको अनमोल्ड करेंगे। तो व्यूवर्स यहाँ जो है हमारे केक को ठंडा होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको अनमोल्ड करेंगे। साथ इसको अनमोल्ड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितनी आसानी से जो केक था वो हमारा अनमोल्ड हो चुका है। तो व्यूवर्स ये देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा सा जो केक है वो हमारा यहाँ पर बेक हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी। और कलर भी इसका देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त कलर इसका आया है। तो दोनों तरफ से अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो अब जो है वो हम इसको डेकोरेट करेंगे। आप लोग अगर चाहें तो इस तरीके से भी इसको कट करके खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पॉन्ज बनाया है स्ट्रॉबेरी का, तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बहुत ज़बरदस्त स्पॉन्ज है ये। तो अगर आप लोग ऐसे खाना चाहें तो ऐसे खा लें, वरना जो है वो हम इसको डेकोरेट करेंगे। मैं इसको डेकोरेट करूंगी। ये देख सकते हैं आप लोग केक को डेकोरेट करने के लिए जो है वो सबसे पहले हमने इसको 2 पार्ट्स में काट लिया है। आप लोग अगर चाहें तो 3 पार्ट्स में भी काट सकते हैं, लेकिन ये छोटा केक है तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको काट लिया है। तो अब इसकी एक साइड हटाएंगे और इसको इसके ऊपर जो है हमने यहाँ पर शुगर सिरप बनाकर रखा हुआ था, ये शुगर सिरप हम लगा देंगे सारा इसके ऊपर, इसको मॉइस्ट करने के लिए। केक को अच्छी तरह तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे, अच्छी तरह से मॉइस्ट करेंगे इसको। तो केक को हमने यहाँ पर मॉइस्ट कर लिया है। अब हमने जो स्ट्रॉबेरी जैम बनाया था रिसेंटली, मैंने ये स्ट्रॉबेरी जैम बनाया था, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूंगी इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम को। पूरी केक के लिए पर स्प्रेड करूंगी। अब इसी के साथ मैंने यहाँ जो है वो इस तरीके से पाइनएप्पल चंक्स जो है वो कट करके रखे हुए हैं, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस इसके ये भी इस पे डाल दूंगी। तो व्यूवर्स ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जो है वो अब हमने एक पाइपिंग बैग में जो हमारी व्हिपिंग क्रीम थी वो फिल कर ली है। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब जो है वो इस तरीके से मैं पूरे केक के ऊपर जो है वो व्हिपिंग क्रीम लगा दूंगी, अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दूंगी। अब मैं क्रीम को इसके ऊपर से स्प्रेड करूंगी। तो अब इसको जो है वो स्प्रेड कर लेंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से लेयर पर। तो यहाँ जो है हमने इसके ऊपर दूसरा पार्ट अपना रख दिया है, इसको भी हम अच्छी तरीके से मॉइस्ट कर लेंगे। अच्छी तरह से मॉइस्ट करेंगे इसको भी। अब ऊपर से भी इसके ऊपर क्रीम लगा लेंगे तरह से, अच्छी तरीके से क्रीम लगाने के बाद हम इसको स्प्रेड करेंगे।
यहाँ हमने क्रीम लगा ली है केक पर, अब हम इसको स्प्रेड करेंगे। देखिए एक बार इस तरीके से हम इसको स्प्रेड करेंगे। तो व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जो है वो हमने केक के ऊपर क्रीम जो थी वो स्प्रेड कर ली है। अब हम ये इस तरीके का एक स्क्रैपर लेंगे और इसकी ये जो जिगजैग वाली छोटी वाली जो जिगजैग वाली साइड होती है, इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो निशान बना लेंगे। देख सकते हैं आप लोग, तो अब जो है वो हम थोड़ा सा पाइपिंग बैग में जो है वो स्ट्रॉबेरी जैम हमने फिल करके रखा हुआ था, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ रिसेंटली शेयर की है। तो अब जो है हम एक इस तरीके का स्कीवर ले लेंगे और इसको हम इस तरीके से इसके जो है वो एंड में रखते जाएंगे और इस तरीके से सेंटर में लाते जाएंगे। तो इसमें पूरे में हम इसी तरीके से डिजाइनिंग करेंगे, इस तरीके से पूरे केक में जो है वो इस तरह से लाइनिंग आ जाएगी। और सेंटर में इसको इस तरीके से हम ये दोनों कलर मिक्स हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से सर्कल कर देंगे सेंटर में, तो ये देख सकते हैं आप लोग इस तरीके का डिजाइन हमें मिल जाएगा। तो अब जो है वो हम इसकी साइडों में इस तरीके से फ्लावर बना लेंगे, इस तरह से एक एक फ्लावर बना देंगे साइड्स में इसकी। तो इस तरीके से जो है वो हमने इसमें फ्लावर्स बना दिए हैं। अब जितने हमने फ्लावर्स बनाए हैं इसके ऊपर हम जो है वो हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो कट करके रखते जाएंगे। तो सेंटर में हम एक इस तरीके से जो है वो स्ट्रॉबेरी रख देंगे इसके, ये देख सकते हैं आप लोग इस तरह से स्ट्रॉबेरी रख देंगे। अब हमारी जो फ्लावर्स हैं इस पर जो है वो हम हमारी कटिंग हुई हुई स्ट्रॉबेरीज इस तरीके से रख देंगे। तो इस तरीके से हमने स्ट्रॉबेरीज कट की हुई है वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। पूरे में रखेंगे, तो व्यूवर्स ये देख सकते हैं आप लोग तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सॉफ्ट स्पॉन्जी स्ट्रॉबेरी केक। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है ये। तो अगर आप लोगों को भी इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग इसको ज़रूर इफ्तार में बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।